झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र भर करने से झारखंड के लोगों की आंखें चमक उठती हैं। झारखंड के युवा उन्हें न केवल अपना आदर्श बताते हैं बल्कि मानते भी हैं। बिरसा मुंडा न सिर्फ अंग्रेजों का डटकर सामना किया बल्कि लगान वापसी जैसी बातों को मानने के लिए उन्हें मजबूर भी किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। इनका जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में हुआ था। बिरसा ने जब जन्म लिया तब अंग्रेजों का दामन चरम पर था। आदिवासियों की जमीनों को अंग्रेज छीन रहे थे। आदिवासियों के कृषि प्रणाली में इतने बदलाव किए जा चुके थे कि वो भूखे मरने के कागार पर खड़े थे। इसके अलावा उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बिरसा जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने ये सब कुछ देखा और महसूस भी किया। अंग्रेजों की इन क्रूरताओं से उनके अंदर विरोध का भाव पनप चुका था। माना जाता है कि उन्हें भी एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से हिंदू धर्म में वापसी की और हिंदू ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने आदिवासी लोगों को धर्म हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था। उन्होंने गाय की पूजा करने, गौ हत्या का विरोध करने की सलाह भी दी थी। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के दमन नीति का विरोध करने के लिए अपने लोगों को जागरूक किया। धीरे धीरे आदिवासियों के लिए उनका विद्रोह इतना उग्र हो गया था कि उन्हें लोग धरती बाबा यानी कि धरती पुत्र कहकर बुलाने लगे। आज भी आदिवासी जनता बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा ने जब ये देखा कि धीरे धीरे अंग्रेज लगान ना देने के कारण आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। 9 अगस्त 1879 को पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया लेकिन उनके साथी उनको छुड़ाने में कामयाब रहे। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग बढ़ चुकी थी। बिरसा मुंडा ने भी जेल से निकलकर इसको ठंडा नहीं होने दिया। उन्होंने संघर्ष में सक्रिय लोगों से अपील की, कई छोटे छोटे संगठन बनाए, डोमबाड़ी पहाड़ी पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनाई। वहां मौजूद कुछ लोग चाहते थे कि शांति से विद्रोह किया जाए जबकि ज्यादा लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से मिले। उनके हिसाब से जमाना बदल गया था इसलिए उन्हें हथियारों का सहारा लेना चाहिए। बिरसा मुंडा ने भी इस पर मुहर लगा दी। यही से शुरू हुआ हथियार बंद विद्रोह। आदिवासियों के विद्रोह की खबर जैसे ही अंग्रेजों को लगी उन्होंने अपने दमन नीति से इसे दबाने की कोशिश की। इस आंदोलन से जुड़े तमाम केंद्रों पर छापेमारी की गई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की गई। निर्दोष लोगों को जमकर प्रताड़ित किया गया। आम आदिवासियों की संपत्ति तक अंग्रेज सैनिक लूट कर ले जाने लग गए। ये आंदोलनकारियों से देखा नहीं गया, उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला किया और आगजनी की। इसमें कई अंग्रेज अफसर मारे गए जिसके बाद से अंग्रेजी सेना ने आदिवासियों पर और दमन का शुरू कर दिया ताकि वो बिरसा को पकड़ सके। सेना की कड़ी घेरबंदी के बावजूद बिरसा मुंडा नहीं पकड़े गए। बिरसा मुंडा अपने बचे हुए साथियों के साथ जामक्रोपी के जंगलों में चले गए। चूंकि अंग्रेज जंगल के रास्ते के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे इसलिए यहां से उनका पकड़ना मुश्किल था। बिरसा मुंडा ने इस जंगल को ही अपना शिविर बना डाला। वो छिपते छिपाते गांव जाते और लोगों को अंग्रेजों के दमन नीति के बारे में बताते। लेकिन बिरसा के कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने तेजी से जंगल में उनको ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार बिरसा को जंगल से गिरफ्तार किया गया। उनके साथ उनके कई साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। बिरसा की मौत 9 जून 1900 को जेल में हुई थी। उन्हें अंग्रेजों ने जहर देकर मार दिया था। बिरसा मुंडा की मौत केवल 25 साल की उम्र में हुई थी। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा एक ऐसे इकलौते स्वतंत्रता सेनानी थे जिसकी तस्वीर संसद में लगी हुई है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास भी स्थित है। वही उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। 10 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी।
कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।